ये पिंजरा का टाइगर नहीं है, ये पारसनाथ का टाइगर है। जब तक टाइगर आएगा नहीं, यहाँ एक भी भीड़ हिलने वाला नहीं है। आया गया था टाइगर, 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 आज टाइगर के अलावा कुछ नहीं है। टाइगर, टाइगर, ओनली टाइगर। मरेगा पृथ्वी, मरेगा नदी नाला, मरेगा तो कौन है जीने के लिए आया जी? डर, हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर प्रशासन मनमानी करती है तो हमारे समर्थकों को लहूलुहान कीजिए, हमें मार के लहूलुहान कीजिए, ले चलिए। ठीक है, अरे क्या कीजिएगा, काटिएगा, मैंने मारिएगा, काटिएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, घंटा होगा उससे ज्यादा। बात करते हैं, क्या सोचे कि मैंने पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है, पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है क्या कि चार को बीबी आठ को बच्चा टाइगर है? बात करते हैं, ना एक पैसा डर नहीं हमको, इतना खौफ, बाप रे बाप, इतना बिल्कुल सोचना नहीं है दादा। दो साल पुराना हम के बेवकूफ हैं, जब हम गारो केस का बेल कर सकते हैं, तीन महीना में हम गारो केस का बेल किए तो बारवा क्यों नहीं बेल करते? ये कक्का पढ़ने के दो साल बाद अब छिपा के रखे हैं। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर है बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में जाएंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा, लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। देखिए, नॉमिनेशन रद्द करने का धमकी बेकार दे रहे हैं, हम लोग संसद में जाना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए, चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए, जाएंगे परसनाथ धुमरा में हम लोग रहेंगे, गजब धमकी देते हैं, नॉमिनेशन रद्द कर देंगे, नॉमिनेशन रद्द कर देंगे, नॉमिनेशन रद्द क्या कर रहे, गर्दने कट के ले जाइए, बहुत काबिल अफसर है आप लोग। अरे हम लोग संविधान की बात करने सदन में आ रहे हैं, ये टाइगर नहीं आंधी है, ये हमारे झारखंड के गांधी है, टाइगर मास्टर जिंदाबाद, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जी हाँ, जो पहाड़ का सीना चीरते है उसे दशरथ मांझी कहते हैं, जो पहाड़ का सीना चीरते है उसे दशरथ मांझी कहते हैं, और हमारे झारखंड में टाइगर जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो कहते हैं। ये जुनून, ये जुनून बता रहा है कि क्या कुछ इस वक्त उपायुक्त कार्यालय के समक्ष। जी देखिए, अबे यहाँ पे धन बल का हार होना तय है और जन बल जन सैलाब का जीत होना एकदम निश्चित है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकारो में डीसी कार्यालय के समक्ष, जहाँ पे टाइगर जयराम महतो का आज नॉमिनेशन है, और यहाँ पे ये उत्साह और ये भीड़, मतलब क्या कहें, ये सही में अथाह, और ये झारखंड में पहला बार ऐसा देखने को मिला कि एक नए युवा के साथ ये लाखों की भीड़ बोकारो की सड़कों पे, मतलब जयराम महतो के घर से लेकर यहाँ बोकारो कार्यालय तक लंबी, करीबन 10 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों का, और ये उत्साह और ये जुनून आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतलब हर तरफ जयराम 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 हो रहा है हर तरफ। लेकिन लोगों से बात करेंगे लगातार, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम पूरे दर्शकों की ओर से धन्यवाद आप चैनलों को, और ये जो हुजूम देख रहे हैं ये बदलाव का संकेत है पूर्ण रूप से। जी, क्या आप लोग जैसे नारा लगा रहे थे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों ये टाइगर नहीं आंधी है, ये हमारे झारखंड के गांधी है, टाइगर मास्टर जिंदाबाद, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जी हाँ, जो पहाड़ का सीना चीरते है उसे दशरथ मांझी कहते हैं, जो पहाड़ का सीना चीरते है उसे दशरथ मांझी कहते हैं, और हमारे झारखंड में टाइगर जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो कहते हैं। ये जुनून, ये जुनून बता रहा है कि क्या कुछ इस वक्त उपायुक्त कार्यालय के समक्ष। जी देखिए, अबे यहाँ पे धन बल का हार होना तय है और जन बल जन सैलाब का जीत होना एकदम निश्चित है। अब कारण
कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। सभी लड़का देख रहे हैं, सब ग्रेजुएट पास लगभग है, यदि केवल युवा वर्ग है खाली, सब बेरोजगार है। अब काहे बेरोजगार है ये भी समझिए। 24 में मोदी सरकार को लाया गया था, 24 में मोदी सरकार को लाया गया था। आज टाइगर के अलावा कुछ नहीं है, टाइगर टाइगर ओनली टाइगर। इस वक्त ये जो बोकारो में नजारा है, जिस तरह से यह बोकारो की एक गर्मी है, जो माटी का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा जी। लोकसभा तो टेलर है, मूवी तो विधानसभा में होगा। लोकसभा तो टेलर है, ये कहां से है? जी जी, ये देखिए महिला समूह को आप देख सकते हैं। मतलब केवल टाइगर और टाइगर और केवल टाइगर जयराम महतो की बात हो रही है। आज जी है, एक मिनट, देखिए जैसे हम लोग अभी यहाँ तीनों, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे जैसे तीन ही पार्टी कंटेस्ट में है, बीजेपी, एक इंडिया गठबंधन और तीसरा जयराम, और तीनों में महतो ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये महतो बहुल क्षेत्र है और तीनों महतो ही हैं, तो क्यों नहीं हम दोनों को छोड़ के तीसरा महतो को जब वोट दें तो जयराम महतो क्यों नहीं वोट दें, जो हमारा माटी का बात कर रहा है, हमारे बाल बच्चे भविष्य की बात कर रहा है। और लोगों को मौका मिला, मथुरा महतो को मौका मिला, उन्होंने सिर्फ ऐसी हवा का खाने का काम किया। सीपी चौधरी का मौका मिला, वो अपने बीबी को विधायक बनाने के काम किए, जनता के लिए ठेप्पा कुछ नहीं। इसलिए इस बार जयराम महतो ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार जयराम महतो क्यों ना, क्योंकि दोनों यदि हम बात करें तो चाहे वो जेएनएम की बात हो, मतलब इंडिया या इंडिया गठबंधन जी, अब की बार निपटा देंगे वो हत्या जो जीतने के बाद देखने नहीं आते हमारे बस्तिया। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से जोश है और जुनून है, इस वक्त ये साफ नजर आ रहा है कि क्या कुछ परिस्थिति है इस वक्त यहाँ पे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पीटर से आए हैं, गिरिडीह से। क्या लग रहा है इस बार? पूरा एकदम जीतेगा जयराम महतो, जीतेगा तो बहुमत, पूरा बहुमत, इंडिया चाहे जयराम महतो, तीनों में महतो लोग हैं। कौन किसको लग रहा है इस बार? जयराम महतो की जी बात हो रही है जी। हम लोग जयराम भांडी से आए हैं, जयराम महतो भांडी, जयराम भांडी से आए हैं हम लोग जयराम महतो के जागरूक के चलते आए हैं, और जब भी हो जाएगा नहीं जयराम महतो को नहीं छोड़ेंगे, सर कटा देंगे, नहीं झुकेंगे नहीं, जयराम महतो जब तक है तब तक रहेंगे। जय जय, ये प्यार है जयराम महतो के प्रति, जिस तरह से ये नजर आ रहा है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं। एक बार पीछे होइए, एक बार थोड़ा सा पीछे आइए, आइए आगे, आप आइए थोड़ा सा, आने दीजिए हमको, आने दीजिए, कभी इंटरव्यू लीजिए, अंदर में खींचिए ना, कैमरा को तो आने दीजिए भाई, अंदर में खींचिए, कैमरा को तो आने दीजिए। ये आप देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, और ये ऊपर से नीचे तक येलो, पूरा पीछे हो और पीछे जी, ये पूरा येलो जी। हाँ, क्या कहेंगे, क्यों ये आज पेंट कराना पड़ा? आज ये अब टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन है और यहाँ पे जीत चुका है, जीत चुके हैं फाइनली जीत चुके। इतना भीड़ है कहना मुश्किल है जी। कई लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया और इंडिया जयराम महतो कहाँ है जी, नहीं वो हवाई में बोल रहे हैं, जयराम महतो बिल्कुल जीत चुके हैं, इतना भीड़ है ये कहना मुश्किल है। कहाँ से आए? बड़े पंचायत से। चलिए जी, आप कुछ बोल रहे थे जी, आइए थोड़ा सा आइए जी। हेलो, नमस्कार सर, इस बार ग्रेडी से 5 लाख वोट से टाइगर जयराम महतो जीत रहे हैं, इसके लिए आज के हम लोग गिरिडीह का सांसद कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जैसा हो। ये
ये पिंजरा का टाइगर नहीं है, ये पारसनाथ का टाइगर है। जब तक टाइगर आएगा नहीं, यहाँ एक भी भीड़ हिलने वाला नहीं है। टाइगर जयराम एक मई झांकी है, 25 मई बाकी है। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद। जोश है, ये जुनून आप साफ देख सकते हैं जी। आपको मैं बता सकता हूँ, आप देख सकते हैं भीड़ को, इसके टक्कर में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है। ये त्रिकोणिया नहीं है, सिंगल हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, बिल्कुल सिंगल जीत चुके हैं बिल्कुल। और ये साफ तस्वीरें बयां कर रही है। चलिए थोड़ा सा हम भी अंदर हो जाते हैं। की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।